नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की वाराणसी समेत 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चरण के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा वाराणसी लोकसभा सीट की है, जहां से PM नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर चुनाव प्रचार में BJP के कई दिग्गज नेता लगे हुए हैं। इस बीच BJP सांसद और दिल्ली के पूर्व BJP अध्यक्ष मनोज तिवारी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी के चुनाव प्रचार के दौरान एक वीडियो सामने आया है, देखिए ये वीडियो। हेलो, अरे मनोज तिवारी सर आए हैं जो होली का गाना बनाए, तुम्हारे दुकान का दुकान के अंदर बैठे हैं, दुकान के अंदर बैठे हैं मनोज तिवारी जो आपको गाना बनाए थे, आपको फोटो देखा गया था होली पर। अरे हीरो जो बैठे हैं गाना बनाए सांसद जी, सांसद जी मनोज तिवारी सांसद जी आए, जल्दी आओ हम अपने दुकान में अंदर। बस आ गया, हमने तो अभी बोला रहे मतलब 2-2 मिनट समय दीजिए, आपको बैठे एक दूसरी टूटा हुआ। हेलो, अरे मनोज तिवारी सर आए हैं जो होली का गाना बनाए, तुम्हारे दुकान का दुकान के अंदर बैठे हैं, दुकान के अंदर बैठे हैं मनोज तिवारी जो आपको गाना बनाए थे, आपको फोटो देखा गया था होली पर। अरे हीरो जो बैठे हैं गाना बनाए सांसद जी, सांसद जी मनोज तिवारी सांसद जी आए, जल्दी आओ हम अपने दुकान में अंदर, उनका दर्शन करो। सांसद जी आए हुए हैं, आओ बेटा कीजिए कर दीजिए तो आपको पीना। अब बहन भाई का संबंध बन गया, आप बेटा सोचिए बहन भाई का संबंध बन गया, आपका भांजा है, आप हो क्या आगे लगता है, यही दुकान पर था, इनका आशीर्वाद हो। तुम पहचान गए इसको, चलो गले मिलो उनको आशीर्वाद, ये मिले गले कहाँ गए सुनी। ये बार मोदी जी की और ज्यादा वोट से जीता है। ठीक 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 भैया भैया, खातिर हम पूरा देश में कुमत है, बस भैया हम लोग के सांसद बना दे ले। बहुत बढ़िया, फिर हम बात जिंदाबाद। एक बार बिहार आइए ना सर, आपको बता दें ये वीडियो खुद मनोज तिवारी ने शेयर किया है, जिसमें उनको बंधक बनाने का दावा किया गया है। उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, जब मनोज तिवारी को काशी की एक महिला ने अपने बेटे से मिलवाने के लिए बनाया बंधक। इस वीडियो में एक महिला भी नजर आ रही है और वह अपने बेटे को BJP सांसद से मिलवाने के लिए फोन करके बुला रही है। महिला कहती है कि मनोज तिवारी जी आए हुए हैं और घर आकर बैठे हुए हैं, जल्दी दुकान में अंदर आओ, वह बैठे हुए हैं। इसके बाद वीडियो में नजर आ रहा है कि मनोज तिवारी एक ठेले वाले के साथ खड़े हैं और वह महिला भी वहीं खड़ी है, महिला के साथ एक बच्चा भी खड़ा है और ठेले पर लीची रखा हुआ है। इस दौरान वहाँ कई लोग मौजूद हैं और मनोज तिवारी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद मनोज तिवारी फिर उनकी दुकान के अंदर जाते हैं और महिला के साथ उसका बेटा सेल्फी लेता है। गौरतलब है कि मनोज तिवारी के गाने उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी लोकप्रिय रहे हैं, खासतौर पर उनके भोजपुरी गानों को लेकर लोगों में खासी दीवानगी रही है। हालांकि अब मनोज तिवारी लंबे वक्त से पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय है। जिस प्रकार से मनोज तिवारी को महिला ने अपने घर पर बुलाकर बिठाया, अपने बेटे से मिलवाया, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।